क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ जेबी साईं, क्या ये ठीक है? क्या यही हमारा, मेरा मतलब है, मेरा और आपका इस तरह मिलना, अगर किसी ने किसी और की बात छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगता है, सही है गलत? मुझे तो अच्छा लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अकेली होती हूँ ना, बड़ा डरती हूँ मैं, और जब आप साथ होते हैं तो लगता है कि मेरे सर पे छत है। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? भाग चलते हैं यहां से, यहां हमारे लिए अब कुछ नहीं रखा आसिया, यहां सिर्फ दरिंदे बसते हैं। कहाँ जाएंगे जेबी साईं? कौन सी जगह इनकी पहुंच से दूर है? और फिर आप मेरी सजा क्यों काटे? आपका क्या कसूर है? मोहब्बत में सब कुछ बांटा जाता है, खुशी, गम, सजा, सब कुछ सांझा होता है। आसिया, खालाशी तो आ रही है जेबी साईं, आप जाएं इससे भी साईं, आप आने दो। आसिया, जहां साईं ने बुलाया है। चुका, आसिया नहीं आएगी, शाहजेब ने कह दिया। से भी साईं, जाओ यहां से। जी साईं। आ गई मेरी मलका। वो साईं, वो किधर है? वो साईं, मैं तू इधर क्या कर रही है शीदो? ओ वो बीबी, मैंने बुलाया तेरा पूछने के लिए, बड़ी देर लगा दी तूने, किधर थी? जोल। जी बाजी। सवेरे बताया तो था साईं, रोहिलियां वाली जाना। हाँ सच बताया था, मौसम कैसा है रोहिलियां वाली का? हमेशा की तरह गर्मी। मम्मी के हाथ के परोठे बड़े याद आते मुझे, पहले तो कभी मम्मी ने तुझे खाली हाथ नहीं भेजा। बीमार है बेचारी, ताप चढ़ा है उसे, अपनी सू नहीं है तो मुझे क्या पूछती। सच्ची कर, सुना है रोटी नहीं खाई तूने, सिर्फ सुई लेती रही है। कैसे खाती आपके बगैर? और आपको किसने कहा कि मैं सुई लेने गई थी? अगली बारी जब तू मेरी सुई लगाने जाएगी ना, अपनी अखा को छुपा लेना, क्योंकि
जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्खों से भी पिछाड़े जाते हैं। चलिए जी बा, जिसकी ना आपने बुलाया था। छत पे क्या लेने गई थी? वो मर्चे सुखाने डाली थी ना, वो देखने गई थी। मर्चे तो शीदो तो पैर को ही ले आई थी। ये क्या करती फिर रही हवेली में? मैं समझी नहीं बाजी इसकी ना। केस ना वट, सब जानती हूं मैं। सेबी से मिलने गई थी ना। किसी को बताएंगी तो नहीं ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो पता नहीं चलेगा किसी को। अगर बीबी को पता चल गया ना तो एक एक वाल पुट देगी तेरा, ना तुझे जिंदा छोड़ेगी और ना मरने देगी। बेकसूर भी तो मर रही हूं ना, अच्छा नहीं है कोई कसूर करके मर जाऊं? जहाने के निकाह में है तू। मैं नहीं मानती उस निकाह को बाजी इसकी ना। तो तेरे ना मानने से क्या होता है? जिन लोगों के तू हत्या चढ़ी हुई है ना, मुरब्बों पे मुरब्बे कब्जा करके कागज पत्थर अपने नाम पे करा लेते हैं, पटवारियों के दफ्तर की बैठकों में खुलते हैं और वहीं पे बंद हो जाते हैं। अगर तेरा निकाह ना भी हुआ होता ना तो तेरी रजिस्ट्री करा लेते। तेरी क्या औकात है इनके आगे? बेगानी जमीन और बेगानी दी में कोई फर्क नहीं है इन लोगों के लिए। तेरे बड़ों ने ना कोई अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए तू बची हुई है। पता नहीं किन खुश फहमी में मारी फिरती है तू। 500 लोग आए थे मेरी बरात पे, अपने हाथों से बीबी ने तेल चोया था, मेरे बच्चे अपने हाथ से जने थे, देसी क्यों की चूड़ियां खिलाई थी मुझे छिल्लों में। क्या हाल किया मेरा, सबके सामने झूंडा पुट के रख दिया। क्या कसूर था मेरा? तुझे रोटी दी थी, दवाई दी थी, सिर कट जाता तेरा। मुझे छोड़, बीबी की अपनी सखी थी वो जिसने ब्याह नहीं कराया, वो जी या मरे बीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भी कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपनी मर्जी से ब्याह किया था। और तू बीबी के एक पुत्र की मलकियत होके तुझे पुत्र से मोहब्बत की पींगे चढ़ा रही है? तुझे नहीं पता क्या हाल करेगी बीबी तेरा? किसी चौराहे में खड़ा करके ना दरख्त के साथ उल्टा लटका देगी तेरी लाश को, और अगर तरस आया ना तो तेरे तन पे कपड़े रहने देगी। मेरी थी मान जा, तेरे हाथी कुछ नहीं आएगा। आपके हाथ भी तो कुछ नहीं आया बाजी इसकी ना। क्या भूल गई मुबशरता को? क्या आज भी आप उनसे मोहब्बत नहीं करते? खबरदार उसका नाम लिया मेरे सामने तो मेरे साईं का कातिल है, बस इतने याद है मुझे।
झूठ मत बोलें बाजी स्कीना, खुद से पूछें, आप जानती हैं मुबशरत आप एक कसूर है और मैं जानती हूं कि आज भी वो आपके दिल में बसते हैं। चल दफा हो जाए यहां से, कब से एक बात समझा रही हूं अभी तक समझ नहीं आई, प्यार मोहब्बत की बातें करती तब हो जाए यहां से, बट आई मेरे दिल का हाल बताने वाली।